दोस्तों स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें, तो आपने ज़रूर देखा होगा। ये शो टीवी पर 3 दिसंबर को प्रसारित किया गया था और तभी से दर्शक इस शो को बेहद पसंद कर रहे हैं। दर्शक इस शो में इशिता भल्ला और अमन भल्ला की जोड़ी को बेहद पसंद कर रहे हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इशिता भल्ला का किरदार दिवांग त्रिपाठी से पहले टीवी की 5 पॉपुलर एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को करने से मना कर दिया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये अभिनेत्रियाँ कौन हैं। फर्स्ट नंबर पर है कृतिका सेन। टीवी की बेहद मासूम एक्ट्रेस कृतिका सेन को भी इशिता भल्ला का किरदार ऑफर हुआ था, मगर कृतिका सेन इस किरदार से खुश नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया था। सेकंड नंबर पर है क्रिस्टल डिसूजा। टीवी की हॉट एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा को भी एकता कपूर ने इशिता का किरदार ऑफर किया था, लेकिन क्रिस्टल इस किरदार को नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया था। थर्ड नंबर पर है दृष्टि धामी। टीवी पर कई हिट शो में नजर आ चुकी अभिनेत्री दृष्टि धामी को भी इशिता का किरदार अप्रोच किया गया था, मगर बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने इस किरदार को करने से साफ साफ मना कर दिया था। फोर्थ नंबर पर है जिया मनिक। शो मेकर्स ने इशिता का किरदार जिया मनिक को भी ऑफर किया था, मगर जिया की बिहेवियर के चलते मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिफ्थ नंबर पर है जेनिफर विंगेट। टीवी की हॉट क्यूट एंड ब्यूटीफुल अदाकारा जेनिफर विंगेट को भी इशिता का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आने के कारण उन्होंने इस किरदार को ठुकरा दिया था, जिसके बाद ये किरदार दिवांग त्रिपाठी को ऑफर हुआ, जिसे वो आज बखूबी निभा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को ठुकरा कर सही किया या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।